मैं कहना चाहूँगी इट्स नॉट इट्स कई कहानियाँ होती हैं जब आप देखते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी एक बहुत ही सीरियस इशू है. कई बार हम देखते हैं कई लोग कहते हैं अरे ये तो पागल है, इसको दोहरे चढ़ते हैं, मेंटल है ये, पागल खाने जाके आया है. बट आई थिंक यू हैव टू एम्पथाइज विद सच पीपल. एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है सफ़र करते हुए. एंड क्यों होता है, कैसे होता है, ये किसी को भी हो सकता है, बहुत लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं. बट कैसे एक लड़की है जिसकी मेन ये कहानी है, मेरे कैरेक्टर का नाम है कल्पना. कल्पना जो लैला बन जाती है वो क्यों बनती है, उसके साथ क्या होता है, एंड जैसे उसके इमोशनल सपोर्ट में है, उसके बॉसेस हैं, हस्बैंड, लवर, पीपल अराउंड हर एंड हर एसोसिएशन विथ ऑल द कैरेक्टर्स brings out the problems that any human being can go through. And kyunki aajkal issue based subjects bahut banne lage hain, I think it's more like a content oriented drama which will probably even entertain you, and with an emotional touch. There is romance and there is a lot of drama in it, but at the same time jab aap फिल्म देखेंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जो आजकल बहुत ही कम फिल्मों में हमने शायद देखी होगी. इंग्लिश फिल्म्स में ये इंस्पायर्ड है, बहुत सारी फॉरेन फिल्म्स इस पर बन चुकी हैं, बट आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ हिंदी फिल्म्स, वेरी फ्यू ऑफ देम एंड स्पेशली विद अ फीमेल कैरेक्टर प्लेइंग स्प्लिट पर्सनैलिटी, बहुत ही कम बनी है. तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर मी एज एन एक्टर एंड इवन फॉर यू. Yeah, for me because while you support my character. क्योंकि ऐसा होता है कि ये कहते हैं और ये सच भी है कि औरतें ज़्यादा प्यार करती हैं मर्दों से. आई थिंक ऑल ऑफ यू अग्री है कि एक जो औरत होती है वो बहुत पावरफुल होती है. तो इस फिल्म में थोड़ा बहुत ये भी दिखाया है कि मर्द भी इतना प्यार कर सकता है. तो कैसे जो मेरा किरदार है उसका साथ कभी छोड़ता नहीं है. हर किसी की ज़िंदगी में एक एक लड़ाई होती है, वो खुद से लड़ रहा होता है. तो कैसे क्या वो उसको वापस पाता है या क्या होता है, क्या वो फिल्म में दिखाया गया. तो होपफुली वेरी सून आपको ये फिल्म पसंद आए. वी कॉल इट आई थिंक एन ऑफ बीट फिल्म बिकॉज ये यहाँ पे टॉपिक इतना टच हुआ नहीं है. कंटेंट बेस्ड फिल्म्स बनने लगी हैं जो हम उसको ऑफ बीट करें या जो भी हो, एट द एंड ऑफ इट ऑल अगर इट्स जस्ट कंटेंट बेस्ड एंड ये टॉपिक ज़्यादा टच नहीं हुआ है हमारी इंडस्ट्री में. तो होपफुली इट्स गुड फॉर अस एंड आई होप यू गाइज लाइक द फिल्म. 20 अप्रैल को आई. हमने शूट किया गोवा में. आई थिंक थोड़ी बहुत ठंड भी थी उस टाइम. गोवा में ज़्यादा ठंड होती नहीं है बट कभी कभी हो जाती है. तो इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद अ वेरी फन लविंग पर्सन. हमेशा देखो हंसती रहती है, दांत दिखाती रहती है. अच्छा एंड सेट बहुत अच्छा था. जो भी था हमने काम, एक यूनिटी थी, सब ने मिलकर काम किया. एंड मेरे को एक्टर्स का भी सपोर्ट बहुत मिला. हर्षिता का सपोर्ट वॉज देयर, सो थैंक यू. एंड माय आशीर्वाद इज विद यू. थैंक यू वेरी मच. एंड सो स्प्लिट पर्सनैलिटी का जो कैरेक्टर देखना है, कभी ये ऐसे स्प्लिट होती है, कभी कुछ बन जाती है, तो डर लगता है कभी कभी, बट समझते हैं कि ये रियल में ऐसी है. मेरे किरदार से ज्यादा एम्पैथाइज करते करते खुद किरदार में है. ये ज्यादा ऐसी है दैट एज एन एक्टर बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि कई बार हमने डबल रोल्स देखे हैं कि ओके एक सीता अंगीता है तो ट्रैक पैरेलल चलता है. जब अगर एक एक्टर को बोला जाए कि आप उसी फ्रेम में उसी सीन में आप एक किरदार हो एंड सडनली स्प्लिट टू अनदर किरदार, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, वो इतना आसान नहीं होता. और ऐसा है कि पहले वो शी इज़ कल्पना, वो नॉर्मल है, एंड देन सडनली शी इज़ यू नो स्प्लिटिंग ऑफ टू बीइंग लैला एंड देन शी कम्स बैक. बट ये ऐसा इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लॉजिक भी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे यू नो एक उससे गुजर रहे होते बीमारी से, दे हैव अ ट्रिगर पॉइंट. इट इज़ नॉट केस अचानक से उसको कुछ दोहरा पड़ा है, वो पागल है, कुछ एक बात होती है या इमोशनल एक सप्रेस्ड इमोशन होता है उनमें, जो सडनली इट कम्स आउट एज एन आउटबर्स्ट एंड दे काइंड ऑफ गेट बैक टू देयर पास्ट और द प्रोबेबली इमेजिनरी वर्ल्ड दैट दे लिव इन. एंड साइकोलॉजिकली इस पर स्टडीज बहुत हुई हैं. तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि एक हटके सब्जेक्ट है, ऑडियंस इसे एक्सेप्ट कर भी लेंगी, बिकॉज हमने इस ऐसे लोग आम जिंदगी में तो बहुत लोगों को देखे हैं. एंड अगर हम बात करते हैं उसके बारे में तो ऐसे लगता है ये क्या बात कर रहे हैं, मगर बहुत लोगों को ऐसे हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों को हुआ है, पढ़े लिखे लोगों को हुआ है, एंड दे हैव सफर्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ
मेंटल ट्रॉमा. जैसे कि आपने बोला कि हॉलीवुड मूवीज काफी बन चुकी है स्कूल का, और मतलब जैसे बॉलीवुड में काफी मसाला टाइप लोगों को पसंद होता है, तो कैसे आप पब्लिक को समझा पा रहे हो इसमें कि ये चीज भी है? ये चीज इसलिए मैं आई हैव सपोर्टेड दिस फिल्म इज क्योंकि हॉलीवुड में तो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे तो ये बहुत ही कल्चर अलग है, वहाँ पे ओपन है, दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म्स. बट इवन इन बॉलीवुड ये नहीं है कि ये होता नहीं है, ये होता है और कई लोगों को मैंने देखा है ये दे आर सफरिंग. हम पुलिस की भी बात करें तो दे हैव अ साइकोलॉजिकल इशू, उनके सेशंस होते हैं और प्रेशर में इतना कोई भी इंसान होता है कि कोई भी टाइप का मेंटल ट्रॉमा किसी पे भी कभी भी हो सकता है. और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे कैन बी इमोशनल और मेंटल, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर इन टू कैरेक्टर्स. आप देखेंगे ना तो लगेगा कि अरे ये तो सडनली व्हाट हैपेंड टू दिस पर्सन. वो कई लोगों के साथ हुआ है, आप छोटे शहरों में भी जाएंगे तो हुआ है और उसको बोल दिया जाता है वो तो पागल है, बट आप ये नहीं देखते वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है. एंड ये कहानियाँ तो मैंने बहुत सालों से सुनी है, एंड क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ तो आई हैव बीन वेरी फेमिलियर विद सच केसेस ऑल द मोर. क्योंकि बॉलीवुड फिल्म है, ये एंटरटेन भी करेगी आपको, एंड गाने भी है, रोमांस भी है, तो एक जर्नी है एक लड़की की. बट क्योंकि इट्स अ कमर्शियल फिल्म एट द एंड ऑफ. यस इट इज, इट इज. फर्स्टली टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, बिकॉज पहली बार जब मैंने कहानी सुनी थी आई फेल्ट के इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. आई थॉट के शायद मैंने ऐसी फिल्में देखी हैं बहुत, बट मैंने कहा कि अगर मुझे, मैंने एक दिन लिया, आई हर्ड द स्क्रिप्ट, मैं आई टुक अ डे टू थिंक अबाउट इट एंड आई टुक इट ऑन एज अ चैलेंज. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बहुत टाइम लगेगा बिकॉज हर एक सीन वॉज सो एग्जॉस्टिंग एंड सो यू नो हार्ड हिटिंग. बिकॉज कई बार ऐसे हुआ है दो तीन सीन्स में जब मुझे आई हैड टू प्ले बोथ, सो एंड देन गो बैक टू द ओल्ड कैरेक्टर एंड देन कम बैक टू द सेम कैरेक्टर, नॉट लाइक अ डबल रोल. इट वॉज वेरी डिफरेंट. अ डबल रोल इज अ डिफरेंट थिंग एंड टू प्ले अ ग्राफ लाइक दिस इज वेरी डिफरेंट, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग, गुड फन, एंड आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स वेंट मैड. सो इनको संभालते संभालते हम सब पागल हो गए. ये फिल्म में बहुत यादगार सीन है यार, आप देखो, अब आप बताओ, हर किसी का अलग परसेप्शन है, आपको शायद कोई और सीन पसंद आए, किसी को कोई और है. हाँ तो पिक्चर जाके देखिए आप, क्यों गन है, मुझे तो नहीं मार रही. मैसेज देयर आर टू मैसेजेस. सोशल मैसेज ये है कि कई हम लोग आज की दुनिया में विमेन्स एम्पावरमेंट एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी सब्जेक्ट्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एट ऑल एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशनल लाइफ एट ऑल. एंड आई थिंक वो सब्जेक्ट्स अभी टच होने लगेंगे, बहुत लोग बाहर आके बातें करेंगे इसके बारे में. इन द कमिंग ऑफ टाइम्स इट्स गोइंग टू बी मेंटल डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर, मेंटल एवरीथिंग. तो ये एक आई वुड से आई ओपनर होगी फॉर श्योर फॉर द ऑडियंसेस, कि हम जिनको सोचते हैं कि पागल है या इनकी कोई प्रॉब्लम है या ये पोजेस्ड है या ये कोई यू नो आई मीन क्रैक है, साइकिक है, बहुत सारे टर्म्स देते हैं, बट इन मेडिकल टर्म्स स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ डिजीज़. एंड क्योंकि ये सब्जेक्ट टच कम हुआ है, आई थिंक पीपल जो नहीं अवेयर है वो अवेयर होंगे. एंड फ्रॉम अ इमोशनल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ लव दैट स्टैंड्स बाय अ ह्यूमन बीइंग, कि प्यार एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी कहीं से भी कैसे भी ठीक कर सकता है. तकरार तो होगी, ऑफ कोर्स, यस, व्हेन डिड लव कम ऑन अ प्लेटर. आई थिंक आप सबको जब आप काम करते हो प्रेशर होता है, हर किसी को डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, लाइक शी सेड इट्स ऑल अबाउट मेंटल प्रेशर. कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ हादसा होता है, शायद वो बचपन में हो या कुछ हो, तो वही चीज़ ट्रिगर होती है. या लाइक एन इमोशनल ट्रिगर, ये सबको पता है, पब्लिक हमारी इंडियन ऑडियंस को भी पता है ये चीज़ें हैं. फोबिया होते हैं लोगों को, ये तो सटल लेवल पे होते हैं, हमको डर होता है इससे उससे हमको एक फोबिया होता है डर होता है वो डर के नाम पे हम उसको इग्नोर कर लेते हैं कई बार वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब बढ़ जाता है व्हाट कैन गो रॉन्ग विद अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज व्हाट दिस फिल्म आल्सो ब्रिंग्स टू द ऑडियंस एज एन आई ओपनर. जैसे कि आपने बोला अवेयरनेस,
ये आई थिंक ये भी है, सहनशील भी होती है और उनके साथ अगर वो इतनी वल्नरेबल होती हैं, हम लोग आजकल सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, तो अगर वो वल्नरेबल अभी कभी भी हो गई, अगर या तो वो ज़्यादा ओपन हो गई किसी के साथ, तो हाउ शी कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ एंड क्या क्या हो सकता है उसके साथ. एंड देन व्हेन इट कम्स टू हर प्रोटेक्शन, बिकॉज शी इज़ अ वूमन एंड शी नोज हाउ टू प्रोटेक्ट, वॉट ऑल कैन शी डू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई बिलीव दैट अ वूमन कैन मेक एंड ब्रेक थिंग्स बोथ. मेरा सवाल मोहित सर से, आप अक्सर टू में भी काम कर चुके हैं और इश्क तेरा, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है या फिर दोनों का किरदार आपका अलग है? या सिमिलैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है. अक्सर टू एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, इश्क तेरा इज अ फिल्म अबाउट लव, फैमिली एंड डिवोशन. तो अक्सर टू तो आपको मालूम है, वो हो चुकी है, अभी इश्क तेरा आ रही है. सो इट्स अ डिफरेंट फिल्म, कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट. इसके अंदर वो एक लविंग हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करते हैं एंड उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम उसको भी फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसकी वाइफ को फेस करनी पड़ती है, वो अपने ऊपर लेते हैं. पॉजिटिव कैरेक्टर एंड हाउ ही सपोर्ट्स. तो मैं यही कहता हूँ, अभी इन्होंने लव की बात करी कि इंसान होता है, आप इंसान को शायद समझ नहीं सकते, जल्दी जज मत करो उसको कि वो पागल है या बहुत सुनने, आई थिंक सबने सुना होगा, आप कुछ भी आइडिया देते हो किसी को, अरे तू पागल है क्या, तू कर सकता है क्या, यू नो ऑल दैट. कहना आसान होता है लेकिन एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू लव. इंसान इंसान होता है, प्यार से रहो, थोड़े दिनों की जिंदगी अच्छे से जियो, खुश रहो. आई थिंक चैलेंजिंग था भी और नहीं भी. नहीं इसलिए बिकॉज चलो एक हस्बैंड है, वो एक अच्छे से प्यार करता है अपनी वाइफ को एंड ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट हर. चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि उसको भी खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है, कभी वो उसकी वाइफ होती है, कभी वो दूसरे कैरेक्टर में आ जाती है लैला के. सो इवन ही इज़ नॉट अवेयर, उसको बाद में बहुत लेट पता चलता है कि उसको उसकी वाइफ को ये है. तो जो जो आपके माइंड में थॉट्स हो रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप किसी के साथ हो या आप किसी को जानते हो, अपने दोस्त को या अपने लवर को, पार्टनर को, इतने सालों से, फिर बाद में आपको पता चलता है कि क्या मैं एक्चुअली उनको जानता हूँ. डोंट यू कैन टेक इट इन आइदर वे, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट इन दिस फिल्म इट्स इन अ पॉजिटिव मैनर कि तो वो एक इंसान की लाइफ में भी होता है, रियलिस्टिक चीज़ है. यू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अब मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ, बिकॉज अब ये ऐसी चीज़ है कि इस पार या उस पार हो सकता है, बिकॉज ये कभी कल्पना है तो कभी वो लैला बनती है. तो मैं अगर एक चीज़ कल्पना को बोल रहा हूँ, कभी लैला अंदर से आ गई तो वो मेरा बैंड बजा सकती है. तो वो चीज़ें बहुत केयरफुल है. आई थिंक हस्बैंड्स के साथ वैसे भी बहुत होता ही है. आई एम सॉरी, लैंग्वेज चेंज होगी ना. नहीं नहीं, हिंदी रहते हैं. आपको लगता है कुछ हिंदी है लेकिन हो चुका है. आप पूछ रहे हो, आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस फॉर श्योर. ये कुछ बहुत ही मेरे एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. या जैसे आप पंजाबी बोलने लग जाते हैं, नॉट बैड. या आई नहीं, ये वो एक्सरसिज्म के ऊपर नहीं है. अगर मैं अगर कॉमेडी कर रही होती तो मैं जरूर ऐसे ही करती. एज एन एक्टर, आपको लैला का रोल ज्यादा पसंद है इस फिल्म में कि जो भी इवेंट्स हुए, हादसे हुए, तो मुझे तो दोनों से प्यार करना है एंड ऑफ द डे. झेलना भी है बट सपोर्ट भी करना है और उसको इस चीज से निकालने की कोशिश करनी है. थैंक यू.